हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं स्पेनिश ऑमलेट। आज फर्स्ट टाइम ट्राई किया हूँ अपने ही स्टाइल से, तो देखेंगे कैसा होगा। तो आपको इंग्रेडिएंट्स सिर्फ ऑनियंस, पोटैटोज और कैबेज चाहिए, और इसको आपको ऐसे कट करना है। और एक फ्राइंग पैन में आपको जो हॉट ऑयल डालना है, मस्त रिफाइंड ऑयल लिया हूँ, और आपको पहले पोटैटोज डालना है। आलू डालने के बाद आपको थोड़ा इसे फ्राई कर देना है। 2-3 मिनट तक फ्राई होने के बाद आपको ऑनियंस डालना है जो हमने कट किया था, और ये थोड़ा स्टर करना है, थोड़ा चला देना है, और इसे 2-3 मिनट के लिए इसे फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद ये थोड़ा बहुत पक गया होगा, और नेक्स्ट स्टेप रहेगा ये कैबेज हम इसे डालेंगे। कैबेज को भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, और इस स्टेज में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे। और इसे और 2-3 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। और हमारा ये वेजिटेबल्स जो है वो पक गया है, तो हम इसे एक दूसरा डिश में इसे निकाल देंगे। अब 3 eggs लेंगे। eggs को एक बोल में डालेंगे और थोड़ा सॉल्ट देके इसे थोड़ा मिक्स कर देंगे या फेंट देंगे। और वो जो सब्जी पका था तो वो उस एग में डाल देंगे। और ये डाल के हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब चलिए ऑमलेट बनाने का स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा ऑयल लेंगे, ऑयल अच्छी तरह से स्प्रेड आउट कर देंगे वही फ्राइंग पैन में, और वो जो हमारा मिक्सचर था वो स्लोली हम इसे डालेंगे, अच्छी तरह से स्प्रेड आउट भी कर देंगे ताकि ये फुल हो जाए। थोड़ा आपको स्प्रेड करते रहना है, और एट द एंड मैंने फुल डाल दिया, पूरा सब मिक्सचर था वो सब डाल दिया इस फ्राइंग पैन में। अब 1-2 मिनट बाद मैंने चीज़ लिया हूँ, चीज़ इसी तरह से स्प्रेड कर दिया हूँ ये ऑमलेट के ऊपर, और थोड़ा इसे दबा दे रहा हूँ। अब इसे ढक कर 3-4 मिनट की तरह पकाएंगे, तो ऐसा दिखेगा 3-4 मिनट बाद। अब इसे थोड़ा चेक करते हैं कि ये नीचे से अच्छी तरह से पका या नहीं, चिपका है या नहीं। तो इसे और पकाना है, तो और 2-3 मिनट इसे पकाएंगे। ओके, 2-3 मिनट हो गया है, तब आप देखेंगे चीज़ पिघल गया है। और इस स्टेज में मैं डालूँगा पेपर। पेपर से थोड़ा हीटनेस आता है और टेस्ट में अच्छा रहता है। अब इसे मैं दूसरी तरह पलट देता हूँ, क्योंकि दूसरी साइड भी पकाना है, तो ये क्रूशल स्टेज है। तो हल्के हाथों से मैंने गैस को बंद कर दिया है अभी, ताकि कुछ जले ना, और स्लोली मैंने डाल के आप देख गए नीचे का क्रस्ट अच्छा बन गया है। अब इसे मैं बॉटम जो नहीं पका है वो नीचे करके मैं इसे आराम से वहीं से डाल दूँगा। स्लोली करना है ये प्रोसेस, बहुत स्लोली। और ये हो गया है, थोड़ा स्प्रेड आउट करके इसे अच्छी तरह से पकाना है, और इसे फिर 3-4 मिनट अच्छी तरह से पकाएंगे। अभी मैं चेक कर रहा हूँ 3-4 मिनट में ये नीचे से पका है या नहीं।
थोड़ा और पकाना है और 2-3 मिनट बाद ये पक गया है। अब तो इसे प्लेट में डालेंगे। हमारे स्पेनिश ऑमलेट अच्छा दिख रहा है। प्लेट में डाल के एक नाइफ को यूज़ करते हुए इसे थोड़ा पिज़्ज़ा टाइप कटिंग करेंगे अच्छी तरह से, और स्पून की मदद से मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा कट हुआ है और टेस्ट में भी मैं टेस्ट किया था, अच्छा था, अच्छा लगा टेस्ट, बहुत एक्स्ट्रा था। ब्रेकफास्ट की तरह आप ये बना सकते हैं, अच्छा ब्रेकफास्ट रेसिपी है ये एक्चुअली। तो ये पीसेस कट कर रहा हूँ और चीज़ भी मेल्ट हुआ है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। हैव अ लवली डे।